हाय एवरीवन, मेरा नाम है रोशन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रोशन ब्रो। दोस्तों आज मैं आया हूं दिल्ली के मीना बाजार जामा मस्जिद टूल मार्केट, यानी आपको दिखाने वाला हूं तरह तरह के टूल्स जिसमें नए पुराने सब कुछ मिक्स होंगे। चाबी, पाना, पेचकस, प्लास, सब कुछ, पाइप रिंच वगैरह हर साइज के आपको मिलेंगे यहाँ पे टूल, जो कि किलो के भाव से नए और पुराने पीस दिखा। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताने वाला हूँ, ये जो मार्केट आती है दिल्ली जो है मार्केट, यानी कि जामा मस्जिद और आपको मीना बाजार के ऊपर ही जब जैसे एंटर मारोगे तो वहीं पे आपको मिल जाएगा। नए पुराने में सारी चीज़ें डील दिखाऊंगा आपको, बहुत अच्छे अच्छे रेट पर दिखाऊंगा। तो आपको करना है क्या, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, बहुत ज़्यादा जो वीडियो अच्छी होने वाली है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब जो है शुरू करने वाले हैं, यहाँ पे जो हथौड़ियाँ रखी हुई हैं वो किलो के भाव से मिलेंगी। कितने रुपये किलो? जैसे कितना? 150। 200? 150 रुपये किलो। तो ये जो है पूरा 150 रुपये किलो मिलेगा? 150 रुपये किलो है ना? ठीक है दोस्तों, देख सकते हो 150 रुपये किलो मिलेगा। और ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? मिक्स आइटम। कैसे रुपए किलो है ये? 200 रुपए। ये 200 रुपए किलो है? अलग अलग रेट से। अलग अलग रेट से ही है? तो मतलब जैसे कि अगर यही चीज अगर लेते हैं तो ये क्या है, जैग है क्या ये? नहीं भाई, नहीं। क्या चीज़ है? हाँ जी, हाँ हाँ है ये। अच्छा ये कितने रुपए का है? 300 रुपए रेट का है। ठीक है चलो ये तो छोड़ दे रहा हूँ। और ये उसके बाद में कुछ एलेंकीस है यहाँ पे, ये कितने रुपए किलो है? 200 रुपए किलो। ये 200 रुपए किलो है। इसमें साइजेस खूब सारे होंगे ना? कितने से कितने तक का होगा? दो से लेकर 10 mm तक। ठीक है। और ये चाबियां कुछ है यहाँ पे? ये चाबियां कैसे रुपए किलो है? 200 रुपए किलो। ये 200 रुपए किलो है। तो दोस्तों अभी देख सकते हो इसमें ये 6 और 7 नंबर से लेकर के आपको सारे साइज मिलेंगे। इसमें काफी ज्यादा मिक्स है इसके अंदर में, और जितने भी साइज के चाहिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे जो है एक साइड में चाबी है और एक साइड में सिर्फ गोल है, कुछ नहीं है। कई सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, 6 से 7 नंबर से लेकर के आपको जो है 18, 20, 22, 25 तक का जो है यहाँ पे चाबी मिल जाएगा। उसके बाद में आते हैं यहाँ पर, ये भी जो टूल्स हैं ये भी पुराने ही हैं, और ये जो है आप देख सकते हो ये कितने रुपये किलो है? 200। ये भी 200 रुपये किलो है? पूरी पट्टी 200 रुपये किलो की है। अच्छा ये 200 रुपये किलो है ना सारी चीज़ें? अच्छा अच्छा, पट्टी जैसे कि मतलब? तो भाई यहाँ से लेके। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हो 200 रुपये किलो ये, और ये जो पाना है 27 नंबर और 24 नंबर, 24-27 का पाना है, ये सब चीज़ें आपको 200 रुपये किलो मिल जाएंगी। ठीक है, काफ़ी अच्छी भी लग रही हैं, नए हैं बिल्कुल, देखने में नए लेकिन पुराने के नाम से बेचा जा रहा है। और उसके बाद में यहाँ पे आते हैं, ये है पेचकस स्क्रू ड्राइवर, और ये है बिना बीट का। ठीक है, प्लस और ये माइनस, ये कैसे रुपये किलो? सब 200 रुपये किलो है ना? ठीक है, ये भी आपको 200 रुपये किलो मिलेंगे। ये जो जितनी लाइन दिखाता जा रहा हूँ आपको 200 रुपये किलो वाली लाइन है ये, देखते जाइए। और ये इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मल्टी टेक वाला जो इसके अंदर में ये पेचकस है स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, सब ये 200 रुपये किलो मिल रहे हैं आपको। ठीक है, देख सकते हो आप, और सारी चीज़ें इसमें, ऐसा नहीं किसी की धार खराब हुई हो, किसी का कुछ ऐसा हो, सब कुछ फ्रेश लग रहा है देखने में, सब ठीक ठाक ही है। उसके बाद में आप देख सकते हो ये तोता प्लास है, ये खोलने वाला है नट वगैरह खोलने के लिए, ये भी 200 रुपये किलो है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, इसकी ग्रिपिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही मुझे देखने में, ऐसे ठीक है, ठीक ठाक है। ये भी 200 रुपये किलो है जैसा देख पा रहे हो आप। ये देखिए, मैं आपको पहचान इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो है आपको देखने में लगे कि आपकी अगर कोई चीज़ आइटम काम की हो तो आप ले सकते हो यहाँ पर। ये जो है यहाँ पर ये भी देख सकते हो, सिर्फ 200 रुपये किलो है। ठीक है, ये देखिए, उसके बाद में ये क्या चीज़ है, ये जो है ये क्या चीज़ है? अच्छा, बाइक का फोर व्हीलर का ये स्टेपनी खोलने वाला है ये। ठीक है, पहिया खोलते हैं इसे। और ये एक साइड क्या है? ये टायर निकालने के लिए ना, ये टायर निकालने के लिए। ये भी 200 रुपये किलो है दोस्तों, देख सकते हो, आपको मिल जाएगा आराम से। उसके बाद में ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, 200 रुपये किलो है, देख लीजिए दोस्तों। ये पे कुछ जो है रोड वोड घुमाने के लिए होगा ये। ठीक है, देख सकते हो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे मिल जा रही हैं आपको। उसके बाद में आते हैं यहाँ पे कुछ प्लास से रखे हैं अलग अलग टाइप के। ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ये भाई, क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है बाबू जी, ये खराब है इसको मत छोड़ो। नहीं है क्या ये, वैसे कागज़ वागज काटने वाटने वाला कटर नहीं होता, वायर कटर ये वो है। अच्छा ये वायर कटर है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, देख सकते हो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये देखो, तार और काटने के लिए कटर मिल जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, जो कि 200 रुपये किलो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, देख सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पर आते हैं, यहाँ देख सकते हो ये भी है 200 रुपये किलो। अब मुझे तो मालूम नहीं है क्या चीज़ से काटा जाएगा, लेकिन आप देख सकते हो, पहचान है तो आप देख सकते हो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, सब 200 रुपये किलो हैं ये, तोता प्लास और ये नुकीले प्लास वगैरह जो है, वायर कटर वगैरह जो इसके दबाने के लिए होते हैं, मोल्डिंग करने के लिए होते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर सिर्फ 200 रुपये किलो। ठीक है, उसके बाद में रेती मिल जाती है आपको, कुछ पार्ट्स वगैरह उसको घिसने के लिए, लेवल पे करने के लिए आपको जो है मिल जाती है 200 रुपये किलो। ठीक है, पतली मोटी सब कुछ मिलेगी आपको, तिकोन टाइप का ही मिलेगा। ये देख लीजिए,
ये सब आपको 200 रुपए किलो मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में आते हैं कुछ इस टाइप की हथौड़ी देखने में। ठीक है, इस टाइप की हथौड़ी हैं, आपको देख सकते हो ये कील स्वी वगैरह निकालने के लिए, ये भी 200 रुपए किलो हैं। ठीक है, यहाँ पे 200 रुपए किलो मिल जाएंगे, और इस टाइप का भी मिलेगा आपको जिसका ये हैंडल बीट वगैरह आपको इस टाइप का मिलेगा, ये सिर्फ 200 रुपए किलो हैं। और ये पेचकस, पीस के हिसाब से, ये पेचकस कैसे, पीस के हिसाब से, पीस के हिसाब से। अच्छा, ये पीस मतलब एक पीस कितने का है? 50 रुपए का है। तो इसमें सिर्फ एक साइड में ही एक ही पेचकस, चार मुंह का है ना, तो ये 50 रुपए का आपको मिल जाएगा। इसका बीट भी काफ़ी मजबूत है, ठीक है, हैवी पेचकस है ना। ठीक है, देख सकते हो सिर्फ दो जो है 50 रुपए पीस मिलेंगे आपको, एक पीस चाहिए तो 50 रुपए का मिलेगा। और ये क्या, ये गोटियाँ, ये 80 रुपए पीस है, ये वाली 80 रुपए, ये 60 रुपए। अच्छा, ये 80 रुपए पीस है। इसमें नंबर क्या है इसका? 16 से लेकर 19 तक की है ये। 16, ये 18 mm की है ना, 18 mm की गोटी है। कितने रुपए की है? 80 रुपए पीस, 80 रुपए पीस है ये, 18 नंबर की मिलेगी। उसके बाद में आपको इसमें ये 19 नंबर है, ये 19 नंबर है आपको मिल जाएगी। और उसके बाद में आपको कई सारे ऐसे साइजेस हैं जो कि दिखाने में थोड़ा टाइम भी लग जाएगा, जो कि मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। ये देखिए, ये कैसे दे रहे हो आप गोटी? ये 60 रुपये पीस है टी गोटी ना, तो ये 10 नंबर की है ये गोटी, 60 रुपये पीस, देख सकते हो। 10 से लेकर 18 नंबर की साइज़ की गोटी मिलेंगी आपको, टी वाली मिलेंगी। और इस ये काफ़ी ज़्यादा जो है कैजुअल टाइप की है, आप आराम से इसको घुमा भी सकते हो, हाथ में चोट वोट नहीं लगेगी। ठीक है, तो जिसका पीस जो है 60 रुपये ना, 60 रुपये होने वाला है। और उसके बाद में ये 60 रुपये पीस है ना पूरा, सब 60 रुपये पीस है। और 80 रुपये पीस है। अच्छा अच्छा, और ये जो तोता प्लास है 50 रुपये पीस, ये 50 रुपये पीस है। ये नए हैं पुराने? नए पुराने दोनों हैं भाई, दोनों ही मिक्स है ना, नए पुराने दोनों ही मिक्स है, ये देख सकते हो। कितने रुपये बता रहे थे? 50 रुपये पीस है ये, नए पुराने सभी मिक्स है। इसकी पॉलिशिंग वगैरह सब उतर रही है, लेकिन वही चीज़ अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। और ये इंची टेप दिखाओ जरा, इंची टेप उठाना, देख सकते हो दोस्तों, सेंटीमीटर इंची टेप है ये, और 3 मीटर, 5 मीटर की है ये, लेकिन इस पर तो 3M लिखा हुआ है। ये 3 मीटर है, 3 मीटर का है ना ये। कितने रुपये का है ये? 50 रुपये का, देख सकते हो, अगर आपको मालूम है तो देख सकते हो, यहाँ पे 50 रुपये का मिल जाएगा आपको। ठीक है, 50 रुपये का है ना? 50 रुपये, ठीक है। तो 80 रुपये का, अच्छा, जो जितने भी सारे दिख रहे हैं वो 50 रुपये के हैं जो है ना, 50 रुपये एक पीस मिलेगा आपको। उसके बाद में हथौड़ी कितने रुपए की? वो नए वाले पार्ट्स है ना, वो नए वाले टूल्स हैं। अच्छा, ये देख सकते हो ये नए हैं, जो मैं भी आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, ये नए वाली लेंथ है जो चल रही है। ये कितने रुपए की है? ये 200 रुपये की है। अच्छा, और आगे दिखाओ, ये हैंडल बार लोहे वाली है ना, ये स्टील वाली है, और ग्राम की है। ये लकड़ी का बीट है इसमें, और ये लोहे का है, क्या मतलब इसका रेट? ये 500 ग्राम की है। अच्छा, कितने रुपये की है? 500 ग्राम वाले थोड़े कितने की है दोस्तों? अभी देख सकते हो ये 150 रुपये की है, और काफ़ी अच्छी भी है। ठीक है, हैवी, और हैवी भी है। आगे चलते हैं, ये 300 ग्राम की, ये 300 ग्राम की है। अच्छा, ये कितने की है? 300 ग्राम की, कितने की है? 300 ग्राम की। अच्छा, ये 300 ग्राम की 120 रुपये की है। ठीक है, और आगे चलते हैं, टायर निकालने वाला दिखाना जरा, ये टैलीवर है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ में एक बीट भी लगा हुआ है, टैलीवर है, आपको अगर टायर वगैरह निकालने हो तो इजिली आप निकाल सकते हो। जिसका जो रेट क्या है? 80 रुपये, 80 रुपये का सिंगल पीस मिलेगा आपको, और टायर वर थोड़ा कटने से ही बचेगा, क्योंकि इसके जो थ्रेड है ना काफ़ी अच्छी है, इसमें धार नहीं है ज़्यादा, आपको ये काफ़ी रिलेक्सीबल होगा। और आगे क्या है, ये क्या है, पेचकस वगैरह? नहीं, पेचकस ये पेचकस वही था, 50 रुपये पीस वाला, जो वाला देख रहे हो आप, जो ग्रीन कलर का जो जिसका बीट है वो 50 रुपये पीस है आपके लिए। ठीक है, जो अभी मैंने येलो कलर का बीट दिखाया तो 50 रुपये था ना, और ये भी 50 रुपये है। और आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों ये देख सकते हो प्लायर्स हैं कुछ, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये प्लास हैं, ये देखिए। और ये कौन सी कंपनी का भैया, बताओगे? डीसी कंपनी का। डीसीडी करके कोई कंपनी होगी, मुझे तो खैर पहली बार देखा ये चीज़। और ये है कितने रुपए का? 60 रुपये पीस। ये 60 रुपये पीस है, 60 रुपये पीस मिलेगा आपको दोस्तों ये। ठीक है, एक पीस 60 रुपये का मिलेगा, और ये जितने भी प्लास रखे ना, जितने प्लायर्स हैं, ये 60 रुपये पीस मिलेंगे आपको। और वो जो लाल रंग की हथौड़ी है वो निकालना जरा, वो काफ़ी वजन लग रही है उसकी। है 2 किलो की, ये 2 किलो की हथौड़ी है, जिसका जो रेट है 250 350। जो ये 2 किलो की जो मेरे हाथ में हथौड़ी देख रहे हो, ये 350 रुपये का एक पीस पड़ेगा आपको, और काफ़ी वजन भी है, और काफ़ी बेहतरीन भी है, इसका जो बीट है वो भी बहुत अच्छा है। और आगे चलते हैं। अच्छा, ये लकड़ी की बीट है ना इसकी, कितने की है? 300 रुपये। ठीक है, डेढ़ किलो की है ये। आगे चलते हैं,
पानी दिखाना, पानी देखिए दोस्तों, पाना दिखा रहे हैं आपको। ये कितने साइज की है? 1918 का है ये। ये कितने नंबर, कितने रुपए की है ये थोड़ा सा फ्रेश नहीं है, फ्रेश दिखाओ जरा। ये कितने रुपए की है? 21-23 की है। कितने रुपए की है? 90 रुपये। फ्रेश पीस है, 90 रुपये का आपको मिलेगा, ठीक है। और ये वीनस करके है ये, ठीक है। और ये भैया 1819 का, ये वाला, ये भी तो सेम दिखा रहे हो, ये रखो आप। और आप देख सकते हो दोस्तों, 24 और एक तरफ से 27, 24-27 का ये आपको रिंग पाना मिलेगा। कितने रुपए का रेट है इसका? अच्छा, ठीक है, रेट सुनते जाइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये कितना? 25 और 28। ये कितने रुपए का है? 25-28, हाँ, 120 रुपए का है। और ये सबसे बड़ा पाना मेरे हाथ में, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा वजन है इसका, टपारिया करके है। टपारिया एक नंबर का ब्रांड है, रजिस्टर है, और काफ़ी अच्छी ब्रांड भी अपने अपने आप में। कितने रुपए का है ये? 1200 रुपये का है। और साइजेस क्या है इसके? 46 नंबर और 50। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से 46 नंबर आएगा ये, और इधर से आएगा 50 नंबर। 1200 रुपये का, 1200 रुपये का ये आपको रिंग पाना मिलेगा। काफ़ी बड़ा है और वजन भी है। कितने किलो का लग रहा है ये? कितने किलो का होगा? 2 किलो वो देख लो का नहीं है भाई। अरे भाई, ये बड़ी अच्छी बात कही आप दोस्तों। अभी भाई के हाथ में देख सकते हो, ये ट्रेन का, ये नट खोलने के लिए, पहिए का नट खोलने के लिए, पहिए का नट खोलने के लिए काफ़ी लंबी रॉड है ये। और ये कितने रुपये की होने वाली है? बड़ा भाई, ये कितने की है? कितने की है भाई? 1200 रुपये की आपको हैंडल रोड मिलेगी। ट्रेन का पहिए का नट बोल्ट खोलने के लिए है ये, 1200 रुपये का आपको पड़ेगा। और उसके बाद में आ जाते हैं इधर। ये भी, ये क्या चीज़ है? चाबी है। नहीं, किस चीज़ के लिए? किस नंबर की है? बड़ा बड़ा नट बोल्ट भैया देख लो, बड़े बड़े नट बोल्ट खोलने की 75 नंबर की चाबी है मेरे हाथ में। मेरे हाथ भी काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा वजन है इसके अंदर में। कितने रुपये की होने वाली है? कितने नंबर, कितने रुपये की है? 800 रुपये की चाबी होने वाली है। और आप सिलाई रिंच दिखाओगे क्या उधर? पाइप रिंच कितने रुपए की है? 18 इंची का 300 रुपये का है। देख सकते हो, काफ़ी वजन भी है इसमें और बेहतरीन भी है। और ये कंपनी कौन सी दिखा दोगे? थोड़ी सी फ्लैक्स करके कोई कंपनी, ये फ्लैक्स करके कोई कंपनी है, देख सकते हो दोस्तों। ये देखिए, और आगे चलते हैं। ये 12 इंची है। और ये 12 इंची है, कितने रुपये का है ये? 12 इंची 170 रुपये का 12 इंची में आएगा, ठीक है, देख सकते हो। और आगे चलते हैं। कार्बन के प्लास ये कार्बन का प्लास है, कितने रुपए का है? 100 रुपये का, ठीक है, 100 रुपये का प्लास है। और ये 100 रुपये, ये कौन सी कंपनी का है? ये कप्तान करके कोई है, कप्तान गोल्ड करके, कैप्टन गोल्ड है भाई वो। हाँ, ये टपारिया है, ठीक है, ये टपारिया है। कितने रुपए का है? ये 150 रुपये का है। ये पाई है। अच्छा, ये पाई है, ये भाई वो तुम्हारे पास जो था वो टपारिया कॉपी था ना, वो कॉपी था दोस्तों जो आपको दिखाया था, टपारिया जो कि 150 रुपये का मिल रहा। और ये पाई का है, हाँ, कॉपी 100 रुपये का है और वो 150 का, नहीं नहीं बस रहने दो। और ये कितने रुपये का है? पाई का 130 रुपये का, पाई का, देख सकते हो। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मैं आपको पन्नी खोल के दिखाया था एक बार। ये देखिए, CRV करके है ये, 130 रुपये का है ना, 130 रुपये का, ये देखिए 130 रुपये का है ये प्लास, ठीक है। और आगे चलते हैं, ठीक है। और ये पेच कैसे हैं कुछ? और ये कितने रुपए का है? ये 60 रुपये का, 80 रुपये का। ये वाला 60 रुपये का है जो बड़ा वाला है, और ये कौन सा बड़ा? 60 वाला, 60 का, 80 का, छोटा 60 का है, बड़ा 80 रुपये का है, ठीक है। पेच कैसे आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, और ये नए पीस में दिखा रहा हूँ आपको। आगे चलते हैं, आगे क्या है अपने पास यूनिक? और वो लो ना, और ये हैंडल दिखाओ ना, हैंडल लो, छोटा हैंडल, बड़ा हैंडल। और ये देख सकते हो, ये हैंडल है, एल टाइप का है। और ये इसका साइज क्या है? मतलब साइज तो एक ही होगा, 12 इंची का। कितने रुपए का है भाई? ये हल्का वाला है, ये है, ये हैवी वाला है, ये 150 रुपये का, हल्का वाला है वो 100 रुपये का। ये 150 रुपये का है, इससे हल्का 100 रुपये का, ठीक है, 150 रुपये का दोस्तों, देख सकते हो 12 इंची का। और आगे चलते हैं, और भी दिखाओ हैंडल इसके अंदर में, वैरायटी दिखाओ मेरे को। ये देखो, ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है। और ये कितने इंच का है? 18 इंच का है। कितने रुपए का है? ये वाला है आपका, लाभ का वाला, ये 130 रुपये का है, 18 इंच का ना, 18 इंच का, 130 रुपये का। अच्छा, हैवी वाला जो आपको मिलेगा वो 250 रुपये का मिलेगा। और इससे आगे देखते हैं, और आगे दिखाओ, इसकी हैंडल में ही दिखाओ हैवी वाला। ये देख सकते हो कितने इंच का है,
ये 18 इंची का है और ये हैवी में है ना, कितने रुपए का है? 250 रुपए का होने वाला है। और आगे चलते हैं, कुछ यहाँ पे पाने रखे हैं, यहाँ पे बिना वो डबल साइड नहीं है, सिंगल साइड में पाना है, वो दिखाना जरा चाबी। हाँ दिखाना भैया, 32 नंबर दोस्तों देख सकते हो मेरे हाथ में, 32 नंबर की क्रोम मेडियम करके कोई चाबी है, कंपनी है ये, और ये 32 नंबर की है। कितने रुपए की है? 130 रुपए की होने वाली है दोस्तों, देख सकते हो। और आगे चलते हैं, गोटियां। अब आते हैं हम गोटी की तरफ, ठीक है। हम आपको गोटी के अब जो है साइजेस दिखाएंगे, वैरायटी दिखाएंगे। और ये देख सकते हो, ये जो है अपने पास में, ये फ्रेश पीस है क्या? फ्रेश पीस ही है ये, ये वाला फ्रेश पीस है? सारे फ्रेश पीस हैं। अच्छा सारे फ्रेश पीस हैं। हाँ जी। अच्छा ये कितने रुपए का है? साइज है 30 mm, 30 mm CRB। ये 100 रुपए की गोटी होने वाली है, ठीक है। काफी ज्यादा लेंथ भी लगी हुई है। और उसके बाद में ये 28 नंबर का, ये कितने का है? 90 रुपए। ये 90 रुपए का है, ठीक है। और उसके बाद में आसपास में पूछ लेते हैं, ये काफी ज्यादा आपको मिल जाती है इधर देखने को। और यहाँ देखते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे साइजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसके बाद में कुछ यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे छोटा साइज में लेता हूँ इसमें 8 नंबर, ठीक है। 8 mm का जो आपको दिखा रहा हूँ, कितने रुपए का? 30 रुपए पीस। 30 रुपए पीस। हाँ जी, 8 से लेकर 16 तक की 30 रुपए पर पीस। सुनते जाइए दोस्तों, जो साइजेस दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कई सारे ऐसे साइजेस हैं जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा और वीडियो भी बहुत लेंथ बढ़ जाएगी उसकी। तो आपको जो रेट बताया वो सुन लीजिए, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये क्या चीज़ है ये अपने पास? ये टी है जो छोटी वाली, वाटर गोटी। अच्छा ये कितने रुपए की है भाई? ये है 30 रुपए। 30 रुपए की, डबल स्टेप है, ठीक है। दोनों तरफ से, इधर से भी लगा सकते हो और इधर से भी लगा सकते हो। उसमें छोटी सी गोटी जो होती है जो मिलेगी आपको, ये 30 रुपए का जो टी साइड मिलेगी, ठीक है। आप दिखाना जरा लगा के इधर, एक तो इधर लग गई और दूसरी साइड लगाओ, एक इधर लग गई है और दूसरी इधर लग जाएगी, लॉन्ग वाली लगाए। ये देखो, देखो ये दोनों साइड लग गई, दोनों साइड से आप काम कर सकते हो, ठीक है। एक इधर लग गई और दूसरी इधर लग गई, हैंडल बार में लग गई और एक टी में लग गई इधर की साइड। 30 रुपए की एक सिंगल पीस मिल जाएगी आपको, तो गोटी 20 रुपए, ठीक है। 20 रुपए पीस गोटी है इसकी जो इसमें लग रही है। तो अभी तक मैंने यहाँ तक कवर कर लिया है ना, तो अब जो है आप मुझे क्या क्या दिखाने वाले हो? ये क्या है? किक रैचेट है ना ये, जो है इसको हैंडल रैचेट बोलते हैं ना। तो ये कितने रुपए का है? 200 रुपए। ये 200 रुपए का है। अच्छा अच्छा, देख सकते हो दोस्तों, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज आपको मिल जाएगा, ये 200 रुपए का है, ठीक है। और उसके बाद में आगे छोटा आता है, ये छोटा है, कितने नंबर का है ये? अच्छा तो ये कितने रुपए का है? ये 150। ये 150 रुपए का है दोस्तों। अभी देख सकते हो मेरे हाथ में दूसरा टूल है जो कि छोटे साइज का है, ये 150 रुपए का मिल जाएगा आपको, दोनों साइड यानी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज आपको दोनों मिल जाएगा 150 रुपए का। आगे चलते हैं, ये टोटल प्लास है, ये कितने रुपए का है? 130 रुपए। 130 रुपए का, 130 रुपए का आपको मिल जाएगा, ठीक है। नया पीस है ये, बिल्कुल फ्रेश पीस है। और आगे चलते हैं, ये सलाइडिंग। अच्छा ये कितने रुपए का है? ये 12 इंची का। 12 इंची का, कितने का है? 250। ये 250 का है, ये नया पीस है बिल्कुल। और आगे इसमें का 10 नंबर भी आता है, 8 नंबर भी आता है, सबके प्राइस बता देता हूँ। अच्छा 8 नंबर का, ये 8 नंबर का, ये 10 नंबर, पहले 10 नंबर दिखाओ। ये 10 नंबर है, ठीक है। और ये 8 नंबर है, ये 10 नंबर का है। दोस्तों मेरे हाथ में दूसरा टूल देख रहे हो जो कि 10 नंबर का है, ये कितने रुपए का है? ये 10 नंबर, 10 इंच का कितने का है? 200 रुपए का। और ये 180 का, 8 नंबर इंच का, ये 8 इंची का है, कितने रुपए का है? 150 रुपए का, 130। ये 130 रुपए का सलाई रेंज, ठीक है, देख सकते हो दोस्तों। चलो बस हो गया यार।